हम ये शो करना चाहते हैं एज सिविल सोसाइटी एज पाकिस्तानीज दैट वी स्टैंड विद आर नेशंस हीरोज दे आर द प्राइड ऑफ द कंट्री और वो हमारे शोदा हैं और उनकी फैमिलीज को किसी को भी दिल आजारी करने के लिए या बैड कमेंट्स देने का कोई नहीं है। तो इन्हें थोड़ा सा बताना चाहेंगे इसका मकसद क्या था आज ये विजिल होस्ट करने का? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर एवरीवन टू कम। हमारी एमपीएस भी हैं, हमारी सिविल सोसाइटी के लोग भी, स्पेशली हमारी विमेन। सबसे पहले तो ये सॉलिडारिटी शो करने के लिए हमारे फ़ौजी जवान जो शहीद हुए हैं। कई ऐसी जगह होती हैं जब मुल्क प्रॉब्लम्स में आता है, फ्लड होता है, तो वहाँ सिविलियन नहीं पहुँच सकते लेकिन मिलिट्री के लोग वहाँ सामने होते हैं। तो ये लोग भी जिस तरह हेलीकॉप्टर में शहीद हुए, और सेकेंड मेजर रीज़न ये था हमने अपनी सॉलिडारिटी उनकी फैमिली के लिए शो करनी। जैसे मलिक अहमद ख़ान ने भी बात की कि दो दिन पहले जब ISPR की एक ट्वीट आई, उनके नीचे बहुत से लोगों ने प्रोपागेंडा करने की कोशिश की, तो हम उस प्रोपागेंडा को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हम ये शो करना चाहते हैं एज सिविल सोसाइटी एज पाकिस्तानीज दैट वी स्टैंड विद आर नेशंस हीरोज दे आर द प्राइड ऑफ द कंट्री और वो हमारे शोदा हैं और उनकी फैमिलीज को किसी को भी दिल आजारी करने के लिए या बैड कमेंट्स देने का कोई नहीं है। हम यहाँ सिविल सोसाइटी के तौर पे पाकिस्तान की मोहब्बत से, अपनी फौजी अदारे से मोहब्बत से यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये शो करने के लिए दैट वी स्टैंड विद द नेशन एंड वी स्टैंड विद आवर फौजी।